हेलो एवरीवन, आपका मेरे चैनल प्लांट ऑन टेरेस पे स्वागत है। आज मैं अपने इस वीडियो में बताऊंगी वैसे प्लांट के बारे में जिसकी जो कटिंग है वो सॉफ्ट कटिंग लगती है। ऐसे बहुत सारे प्लांट हैं जो पूरा प्लांट ही सॉफ्ट वुड का होता है और उसकी कटिंग भी सॉफ्ट ही लगती है, और बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जिनकी ब्रांचेस तो हार्ड होती हैं लेकिन उसकी कटिंग सॉफ्ट वाली लगानी होती है। तो चलिए मैं आपको उन प्लांट्स के नाम बताती हूँ जिन्हें आप सॉफ्ट कटिंग से लगा सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें मेरे बहुत सारे प्लांट लगे हुए हैं। ये एक जेड का प्लांट है जिसे मैंने कटिंग से तैयार किया है। इसकी कटिंग बहुत ही आसानी से लग जाती है और इसकी जो स्टेम देख रहे हैं आप, जो ये कितनी सॉफ्ट है और इसकी सॉफ्ट कटिंग ही लगती है, ये आप देख रहे हैं। बस इसके यहाँ से इसकी कटिंग लेनी होती है और इसे सॉयल में दबा देना होता है। मैंने इसी प्रकार से यहाँ लगाया है। ये मेरा एक जेड का प्लांट है। ये इसी रूप में बड़ा होता है, आप देख रहे हैं ये नीचे इस तरह से बड़ा होता जाता है। इसे हैंगिंग बास्केट में लगाने के लिए ये बहुत अच्छा रहता है क्योंकि ये नीचे की ओर लटकता हुआ ग्रो होता है, तो हैंगिंग बास्केट में लगाने के लिए बहुत ही अच्छा होता है ये प्लांट। इसकी जो स्टेम होती है वो बहुत हार्ड नहीं होती है, आप देख रहे हैं ये जहाँ से हुआ हुआ है, ये सेमी हार्डवुड कहेंगे इसे, और इसकी ब्रांचेस तो सॉफ्ट है ही। बस आपको करना क्या है इसकी कटिंग लगाने के लिए, इसके की ये जो आगे वाला भाग है बस यहाँ से कटिंग लेनी है और ये दो तीन जो लीव्स हैं इनकी यहाँ से निकाल देनी है और इसे मिट्टी में 1 इंच तक दबा देना है। ये बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है। इसी में आपका एक दूसरा प्लांट है, ये मनी प्लांट। इसकी भी स्टेम जो होती है वो बहुत हार्ड नहीं होती है, ये भी सॉफ्ट ही होती है। इसे भी कटिंग से लगाना बहुत ही आसान होता है और आप इसे हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं। इसी में एक प्लांट है, ये वंडरिंग जीव का। इसकी भी जो स्टेम है वो बहुत हार्ड नहीं होती है और ये भी हैंगिंग बास्केट में लगाने का एक राइट ऑप्शन है। आप देख रहे हैं इसमें मैंने कितनी सारी एक ही बास्केट में प्लांट लगाए हुए हैं। इसमें मैंने 2-3 कटिंग लगाई हुई है जेड प्लांट की। नेक्स्ट प्लांट है ये पोर्टुलाका का प्लांट जिसे 9 o'clock भी कहते हैं। इसकी भी सॉफ्ट वुड कटिंग ही लगती है, ये पूरा का पूरा प्लांट ही सॉफ्ट होता है, तो इसकी ब्रांचेस देख रहे हैं, बस इसे यहाँ से कट करना है और लगा देना है। मैंने इसकी भी कटिंग, इसमें सारी जो आप देख रहे हैं ये सब कटिंग से लगाई हुई हैं जो आसानी से ग्रो हो जाती हैं। ये भी मैंने इसी पर प्रकाश से लगाया हुआ है, देख रहे हैं। इसमें ये मेरा एक अडेनियम का प्लांट है। इसकी भी जो ब्रांचेज होती हैं बहुत हार्ड नहीं होती हैं और ये जो आगे का भाग होता है प्लांट का उसी से ग्रो होता है, ये कटिंग से भी लग जाता है। ये प्लांट तो बीच से लगाया हुआ क्योंकि इसकी ये जो स्टेम है बहुत मोटी है, आप देख रहे हैं ये इस टाइप का जो इसका लुक आता है वो कटिंग में नहीं आ पाता है, लेकिन फिर भी आप इसे कटिंग से लगा सकते हैं। इसे यहाँ से कट करना है और 2-3 दिन के लिए इसे छोड़ देना है
और इसके बाद आप इसे रेत में, या ज़्यादातर रेत में ही आप इसे अच्छी तरह से ग्रो कर सकते हैं और अच्छी से ग्रो हो जाएगा ये। और जब ये इसमें 2-3 लीव्स जब इसमें निकल आएंगी, तब आप इसे सॉयल में या रेत वाली मिट्टी जो आती है, इसकी जो सॉयल मीडिया होता है, उसमें आप इसे ग्रो कर सकते हैं। इसकी भी सॉफ्ट वुड कटिंग ही लगती है। इसी प्रकार से आप प्लूमेरिया की भी कटिंग, जिसे चंपा कहते हैं या नाग चंपा को भी इसी प्रकार से लगा सकते हैं। वो भी इसकी भी सॉफ्ट कटिंग ही आगे वाला जो होता है वो लगता है। इसी में एक प्लांट है, ये इसकी भी कटिंग सॉफ्ट ही लगती है। ये देखिए, ये है बालसम का प्लांट है। इसमें भी छोटे छोटे फ्लावर खिलते हैं। इसकी भी जो स्टेम है वो सॉफ्ट ही होती है, और इसे भी कटिंग से आप लगा सकते हैं। इसे बूसी बनाने के लिए आप यहाँ से इसकी पिंचिंग कर सकते हैं। इसमें जो ब्रांचेज हैं उसको आप कट करके इजीली ग्रो कर सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं इस टाइप की ब्रांचेज हुए हैं, और यहाँ से कट करके इसको आसानी से लगा सकते हैं। देखिए, मैंने इसे इसी तरह से कट करके लगाया है और ये अच्छी से ग्रो भी हो रहा है। देखिए, इसमें मैंने अडेनियम की कटिंग लगाई हुई है, आप देख सकते हैं। और फिर नेक्स्ट प्लांट है ये मैक्सिकन पिटोनिया का। आप इसकी भी सॉफ्ट वाली जो कटिंग है इस टाइम पे लगा सकते हैं। ये यहाँ से आपको कट करना है और इसे लगा देना है। इस प्रकार से ये है एक सदाबहार का प्लांट। इसमें बहुत सारी वैरायटी आती है। इसके कलर देखिए, ये एक वाइट वाली है। ये सारी देसी वैरायटी है। आप इसकी भी कटिंग को लगा सकते हैं, ये भी इजली ग्रो हो जाएगी। लेकिन ये ज़्यादातर जो इसमें सीड पॉड बनते हैं, आप देख रहे हैं, ये इससे इजली ग्रो हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट प्लांट आता है ये गेंदा का, जिसे मेरीगोल्ड कहते हैं। इसकी भी सॉफ्ट कटिंग लगती है। इस टाइम पे आप देख रहे हैं, ये बारिश का टाइम है, तो इसमें इसकी जो स्टेम है इसमें वाइट वाइट इसकी रूट डेवलप हो जाती हैं, रूट जो होती हैं। तो आप इस तरह से इसे कट कर लीजिए और इसे सॉयल में या रेत में ग्रो कर लीजिए। इसी प्रकार से एक प्लांट है ये गुलदाउदी का। ये भी सॉफ्ट स्टेम वाली कटिंग होती है। इसकी भी सॉफ्ट ही कटिंग लगती है। आप इसकी भी कटिंग इसी तरीके से लगा सकते हैं। यहाँ से इसे कट करना है, 2-3 लीव निकाल देना है और इसे सैंड में ग्रो कीजिए। ये आसानी से ग्रो हो जाती है सैंड में। ये सब प्लांट जो मैं बता रही हूँ, इसे आप ज़्यादातर सैंड में ही ग्रो कीजिए, क्योंकि इसकी जो स्टेम होती है वो बहुत सॉफ्ट होती है, तो इसके गलने के चांसेस सॉइल में ज़्यादा होता है। और इसमें आपको पानी का ध्यान रखना है, क्योंकि ये प्लांट सॉफ्ट होते हैं तो इसे पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। आप इन्हें रेत में ग्रो कीजिए और इसके बाद इसे बारिश के पानी से बचा कर रखिए। आप शेडी प्लेस में वहाँ रखें जहाँ ब्राइट लाइट आती हो, लेकिन बारिश का जो लगातार है पानी वो उस पर ना जाता हो। इन सब प्लांट को ग्रो होने के लिए ह्यूमिडिटी वाला वेदर तो चाहिए होता है, बारिश वाला जो मौसम होता है वो चाहिए होता है, लेकिन बारिश नहीं चाहिए होता है। और इसे अगर बारिश नहीं भी हो रही है तो आप इसमें ज़्यादा पानी ना डाला करें, नहीं तो इसकी स्टेम गल जाती हैं, क्योंकि ये सॉफ्ट होते हैं बहुत, तो इसके गलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसीलिए मैं इसे रेत में ग्रो करने की सलाह देती हूँ, इसे पानी ज़्यादा ठहरता नहीं है।
और आपकी जो कटिंग है वो 10 से 15 दिनों में अपनी रूट डेवलप करना शुरू कर देती है। इसी प्रकार से एक प्लांट और है जो जीनिया प्लांट है, इसे ही मैंने देखी आप, इसमें फ्लावरिंग भी होने लगी है। मैंने इसे भी कटिंग से ही ग्रो किया था, जिसे मतलब सेंड में मैंने जिसे ग्रो किया था। इसके बाद इसमें मैंने इस सॉयल में ट्रांसप्लांट किया है और इसमें फ्लावरिंग भी होने लगी है, आप देख रहे हैं। नेक्स्ट प्लांट ये हाइब्रिड वाला गंधराज है, जिसे गार्डेनिया कहते हैं। इसकी भी सॉफ्ट कटिंग लग जाती है, आप इस यहाँ से इस तरह से कटिंग लीजिए और इसे सैंड में ही ग्रो कर दीजिए। इसकी भी रूट आसानी से निकल आती है। और ये एक प्लांट ब्लीडिंग हार्ट का है, मैंने इसे भी सॉफ्ट कटिंग से ही ग्रो किया है। ये जो कटिंग है मैंने इसी टाइप की, जो ऊपर वाली कटिंग होती है, मैंने लिया है, ऐसे ग्रो किया है। इसकी भी कटिंग आसानी से ग्रो हो जाती है। ये है देसी हिबिस्कस का प्लांट, इसकी ज़्यादातर तो हार्डवुड कटिंग लगती है। मैंने एक दो प्लांट ऐसे हैं जिसे इसकी जो सॉफ्ट कटिंग होती है, ये वाली सॉफ्ट स्टेम वाली भी कटिंग मैंने ग्रो की है और ये आसानी से ग्रो हो गई है। ये रेयर होता है, लेकिन देसी वैरायटी वाली में कभी कभार ये सॉफ्ट वाली कटिंग भी लग जाती है। इसी तरह से वेजिटेबल प्लांट में आप ये टोमेटो प्लांट है, इसकी को भी आप कटिंग से लगा सकते हैं। इसे भी लगाने का तरीका वही है जो मैं अक्सर बताती रहती हूँ, सैंड में ग्रो करने का। आप इसके ऊपर वाला जो स्टेम है वो लीजिए और इसे रेत में ग्रो कर दीजिए। इसकी भी जो स्टेम होती है वो सॉफ्ट ही होती है, देख सकते हैं आप। ऐसे तो बहुत सारे प्लांट हैं, लेकिन बताने में ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इसी तरह आप भी कटिंग लगाइए और प्लांट लगाते रहिए और हरियाली बढ़ाते रहिए। प्लीज़ मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट कर बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। तो थैंक यू फ्रेंड वॉचिंग।